Welcome to our channel EME Technologies, and please like and subscribe the channel. So if you want a new update, so just click on the bell icon so that you can get the latest update. Thank you very much. Okay, tell me about yourself. Myself, I live in U A M Hospital. And? I'm doing MCA. From where? डिस्ट्रिक्ट। ओके, फैमिली के बारे में बताएंगे? बताइए। मम्मा हाउसवाइफ है, फादर फ्रीलांसर। ओके, सो देन आपने सीबीएसई से किया है, 12th आपने पंजाब बोर्ड से किया है, राइट? एमसीए आपकी Punjab University Patiala, Punjabi University, and you're doing MCA. So, in which semester are you? Sixth semester. So you have a projects in this. Yes, ma'am. And what kind of in which stream you are going to do your project? कौन से stream में आप अपना project continue करोगे? कौन सी किसमें कर रहे हो आप अपना project? PHP में. And why do you know about the PHP? PHP के बारे में पता है? No. आपने PHP क्यों choose किया? मैं ऐसे ही पूछ रहा था, scope कर रहा था। आपने ये पूछा था scope किसका, इसलिए आपने PHP opt किया। तो so far okay, तो अभी तक PHP में कितना आपको knowledge है? मतलब कितना आपने किया? अभी तक आपने कितना पढ़ा? ना कुछ नहीं पढ़ा PHP। तो आपने और PHP से स्टार्टअप कहीं से कुछ आपने अभी तक क्या पढ़ा है? मैंने पूछ लिया PHP को छोड़ो, अभी आपने क्या पढ़ा है फिलहाल के लिए? जावा भी पढ़ी है आपने? ओके, तो अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपने बेसिक सी भी पढ़ा होगा। तो टेल मी अबाउट द सी, व्हाट इज सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले सी, उसके बाद C++ जावा और C एनी पावर पर है नहीं C, उसके बाद C++ पढ़ती थी। अच्छा, C में कीवर्ड्स पढ़े होंगे आपने? Yes, ma'am. क्या होते हैं कीवर्ड्स? कीवर्ड अनसॉल्व्ड वर्ड्स मिलते हैं, उन्होंने लाइक कीवर्ड्स के साथ डगडग में करते हैं। लाइक जैसे हम पे अप्रेंटिस करना तो okay. You have also done a Java or .NET, right? So आपने अगर ट्रेनिंग Java या .NET में की है तो आपने उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? PHP में क्यों गए? For scope only? Okay. Okay. So आपने HTML पढ़ा है, तो आप मुझे HTML के बारे में थोड़ा बताओगे? HTML क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? HTML के बारे में थोड़ा बताओ कि आप HTML क्यों यूज़ करते हैं? HTML क्या है? हाई कॉन्टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों यूज़ करते हैं HTML? मोस्टली डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, अगर मुझे इमेज लगानी हो तो मैं क्या यूज़ करूँगी? अगर मुझे अपने पेज पे, वेब पेज पे HTML में इमेज शो करवानी है तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? कैसे लिखूँगी मैं, आप बता सकते हो मुझे? के बाद हमारी कोई भी स्टाइलिंग वगैरह देनी है ना, तो CSS के थ्रू मैं इसमें दे सकती हूँ स्टाइलिंग टैग के अंदर। मैं नहीं दे सकती। इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं? एट्रीब्यूट्स तो सारे होंगे, लेकिन मजे थ्रू CSS के बच्चे स्टाइलिंग करनी है। ओके, एट्रीब्यूट्स होते क्या? क्या होते हैं? कैसे बताऊँ? जब हम बैठता है तो कुछ भी सेटिंग करते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स। ओके, आप आपने अभी बोला कि स्टाइलिंग यूज़ करते हैं, तो स्टाइलिंग कैसे देते हैं? स्टाइल टैग यूज़ करके। ओके, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, अगर मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट है मुझे जिसको अपर केस में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? फॉन्ट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड लगा सकती हूँ मैं अपने टैग के पीछे। बैकग्राउंड अगर मुझे लगाना हो किसी बॉडी में या किसी टैग के पीछे, तो जैसे टेक्स्ट लिखा हो उसके पीछे मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, मैं लगा सकती हूँ? हाँ, किस प्रॉपर्टी को यूज़ करके? मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, मैं क्या लिखूँगी कि जिससे मेरा पीछे बैकग्राउंड में इमेज आ जाए? इमेज टैग लगाएंगे। और अगर मुझे टेक्स्ट के पीछे लगानी है, तो टेक्स्ट के पीछे लाइक टेबल में नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसके पीछे अगर लगानी है